Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के सरधना विधानसभा सीट से भाजपा के दबंग विधायक संगीत सोम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सुर्खी का कारण बना है विधायक का प्रतिनिधि शेखर सोम। आरोप है कि शेखर ने पावर कारपोरेशन के जेई को बंधक बनाकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि जेई से 50,000 रुपए की मांग भी की। इस मुद्दे को लेकर अभियंताओं ने पावर कारपोरेशन के MD कार्यालय पर धरना दिया। वहीं दहशत में आए जेई ने विधायक के गुर्गों से अपनी जान का खतरा बताया। बहरहाल विवाद जारी है। दरअसल मूल रूप से गोरखपुर निवासी विद्युत विभाग के जेई विवेक मल सरधना क्षेत्र में तैनात हैं। विवेक का आरोप है कि मंगलवार को भाजपा विधायक संगीत सोम के प्रतिनिधि शेखर सोम ने उन्हें विधायक के कैंप कार्यालय पर बुलाया था। यहां शेखर ने 50,000 की मांग करते हुए उन्हें बंधक बना लिया और पिटाई की। बीती शाम ही शेखर के खिलाफ सरधना थाने में तहरीर दे दी गई। इस बारे में जूनियर अभियंता विवेक ने मीडिया को यह जानकारी दी। जी, कल मैं ग्राम सरूरपुर में अनमीटर्ड सुमीटर्ड का काम करवा रहा था, जो हार्ड केसेस थे उस दौरान मैं मानी ब्लॉक प्रमुख जो सरूरपुर के हैं, मैं उनके आवास पर था। वो उन्हीं के परिसर में मीटर इंस्टॉल करवा रहा था मैं, तो तभी माननीय विधायक श्री संगीत सिंह संगीत सोम जी के PA का जो शेखर जी हैं उनका फ़ोन आया। करीब 12 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद, फ़ोन आया कि जी विधायक जी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए कैंप कार्यालय सरधना। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं अभी काम करवा रहा हूँ, हार्ड केस पे मीटर लगवा रहा हूँ, टीम है मेरे साथ। तो कहा उन्होंने, अच्छा चलो कब तक आ जाओगे, 1:30 बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा जी आ जाऊँगा। तो फिर मैं एक्चुअली जा नहीं पाया 1:30 बजे, फिर फ़ोन आया उनका, जी आप तो आए नहीं जी। मैंने कहा काम करा रहा हूँ। फिर उनके ये सब थे, पता है कितने कमेरे हैं आप बिजली वाले, इनका भाई साहब ऐसी बात नहीं है, SDO साहब साथ हैं, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। फिर मैंने SDO साहब को बताया, साहब गुस्सा हो रहे हैं, सर मैं जा रहा हूँ। मैं SDO साहब को बता के उसके बाद इनके विधायक माननीय विधायक जी के कैंप कार्यालय की तरफ मैं चला गया। मैं अपनी बाइक से ही था, उस दौरान बारिश भी हो रही थी, तो मैं सरधना में ही पेट्रोल पंप पे रुक गया कि कहीं भीग ना जाऊँ। उसके बाद जो है फिर मैं गया, तो इन्होंने बहुत प्यार से कहा आ गए। मैंने कहा जी आ गया। तो इन्होंने कमरा खोला एक, कहा जी आप बैठिए इसमें। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि विधायक जी तो चले गए। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब, आप ही बात बता दीजिए। फिर आए, कमरा बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम बिजली चोरी की बहुत FIR कराते हो, कनेक्शन काटते हो, हमें पैसा नहीं देते, हमें 50,000 रुपये दो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करता, मैं तो अपनी भाई साहब घर से इतनी दूर नौकरी कर रहा हूँ 8 किलोमीटर दूर, मैं तो भाई साहब बस तनख्वाह के भरोसे चलता अपना जो है। कह नहीं तुम बहुत वो कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब कोई शिकायत है? नहीं नहीं तुम कर रहे हो, सूचना मिल रही है। उसके बाद कहा मैंने भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कहा उन्होंने, सारे जेई मेरा मानते हैं कहना, तू जिसकी कहता हूँ FIR ना कर उसकी FIR क्यों कर देता है? मैंने कहा भाई साहब, फिर उन्होंने एक का नाम लिया राशिद नाम का, कि तूने इसकी FIR क्यों की? मैंने कहा था ना कि FIR ना करना, ग्राम पिटलोकर में मैंने एक FIR की थी 30 से 31 दिसंबर को, एक्चुअली जुर्माना अब उसके वहाँ गया है। तो उन्होंने उस विधायक जी के PO को इत्तला किया था इस संदर्भ में। तो मैंने कहा जी उसने जो हमारे संविदा कर्मी को पीट दिया था, उस दौरान बिजली चोरी कर रहा था, चोरी से डेरी चला रहा था, 2 डेरी, और ऊपर से केबल काट के लाया, मैं कैंप लगा हुआ था तो वहाँ पे संविदा कर्मी को मैं छोड़ दिया था, और एक जगह LNT कंपनी कार्य करी थी, पोल लगने का इशू था, वहाँ मैं शॉर्ट आउट करने चला गया संविदा कर्मी को लेकर। वहीं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन क्षेत्रीय सचिव आशीष कुशवाहा ने धरने के दौरान यह कहा। आशीष कुशवाहा, क्षेत्रीय सचिव मेरठ क्षेत्र मेरठ। जिस तरह से कल घटना हुई है, ये हमारे साथी के साथ हमारा, हम लोग विभाग के हित में काम करते हैं, लाइन लॉस कम करने के लिए, बिजली चोरी पकड़ने के लिए जो कि विभाग का अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। कल जो माननीय विधायक जी के कुछ कैंप कार्यालय पे इस तरह की घटना हुई है, उनके कुछ व्यक्तियों द्वारा, बहुत ही निंदनीय घटना है, और इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, और संगठन की तरफ से हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे, और माननीय MD साहब से, माननीय चीफ महोदय से इसके बारे में मिलेंगे और इस पर उचित कार्रवाई के लिए मांग। आज क्या क्या निर्णय लिया आपने, यहाँ बैठक करी, अब क्या फैसला हुआ है? हाँ, फैसला अभी हम लोग को चल रहा है, फैसला भी शीघ्र हम निर्णय लेंगे और प्रबंध निदेशक महोदय से मिलेंगे, उसमें उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ,
प्रबंध निदेशक महोदय से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि अवश्य कोई ना कोई ठोस निर्णय लेंगे। और मुख्य रूप से हमारी बात यह है कि हमारे साथी के साथ कोई अन्याय ना हो और हमारे साथी की सुरक्षा के लिए मांग करें। नहीं, प्रबंध निदेशक महोदय से मिलेंगे, फिर आगे आंदोलन जारी रहेगा। अगर ऐसी कोई निर्णय नहीं होगा तो उसके लिए मांगे। अभियंताओं के धरने के बाद पुलिस ने शेखर सोम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामला सत्ताधारी पार्टी के विधायक संगीत सोम से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कोई पुलिस अफसर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।